नमस्ते दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पे स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बताने जा रहे हैं, टेबल फैन का स्विच पूरा जल के जा चुका है, ये पूरा हीट को मेल्ट हो चुका है। आपको मार्केट में नहीं मिल रहा है तो हमें फ़ैन को डायरेक्ट कैसे कर सकती हैं, बहुत लोग कमेंट करे थे। हमारा 1-2-3 स्विच फेल हो चुका है, हमें फ़ैन को डायरेक्ट कैसे करना चाहिए, उसके लिए इसमें आज की इस वीडियो में मैं बताने जा रहा हूँ। पूरा वीडियो अच्छे से देखो, पसंद आया तो एक लाइक करो और चैनल सब्सक्राइब करो, ऐसे इलेक्ट्रिकल वीडियो लाता रहता हूँ। दोस्तों, सबसे पहले हमें मोटर में से तीन वायर आए रहती हैं, अंदर से तीन वायर मोटर में से ले ही हमें ये मोटर के तीन वायर हैं और ये आके हमारा पावर सप्लाई के दो वायर हैं। ये पावर सप्लाई के दो वायर और ये आके मोटर में के तीन वायर कामन रनिंग स्टार्टिंग तीन वायर रहती हैं इसमें। दोस्तों, इसमें कामन वायर हमारे पावर सप्लाई के कामन वायर को जॉइंट कर डालो। दोस्तों, जॉइंट करने के बाद हमारे मोटर में से की स्टार्टिंग रनिंग दो वायर आई रहती ना, इसको हमें कैपेसिटर कनेक्शन देना होगा। ऐसा कनेक्शन दो। दोस्तों, दिए के बाद तो पावर सप्लाई में की और एक नेगेटिव वायर बची रहती है। दोस्तों, ये नेगेटिव वायर लेके आके हमें स्विच के रेड वायर को देना पड़ेगा। देखो, स्विच के रेड वायर को दियो, एक वायर कॉमन में दियो तो फैन हमारा घूम जाता है, डायरेक्ट कंट्रोल नहीं होता है। आपका ये मार्केट में मिल रहा है तो आप नया डाल के फिट कर सकती हैं, इसकी भी वीडियो बनाया हूँ मैं। आपके पास ये मार्केट में नहीं मिल रहा है तो कमेंट करो, मैं इसको फ़ैन का डिमर बिठाने का कनेक्शन मैं आपको बतलाता हूँ। ठीक है दोस्तों, आपका फ़ैन उल्टा घूम रहा है तो ये हमारा कॉमन वायर काट के मोटर पावर सप्लाई में की इधर डाल के हमें फिट करो, हमारा फ़ैन राइट साइड में घूमना चाहिए। ठीक है दोस्तों, आज की इस वीडियो में हमें फ़ैन को डायरेक्ट कनेक्शन करने का बतलाए हैं, और वीडियो पसंद आया तो एक लाइक करो और चैनल सब्सक्राइब करो, ऐसे इलेक्ट्रिकल वीडियो लाता रहता हूँ। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।